हेलो दोस्तों, आप सभी को एक और व्हाट्सएप रिलेटेड वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे व्हाट्सएप स्टिकर फीचर को अपने फोन में इनेबल कर पाएंगे, और शायद से मैं ही पहला यूट्यूबर हूँ जो आपको इस फीचर के बारे में बता रहा हूँ। बहुत दिनों से ये फीचर अंडर डेवलपमेंट में था और अब जाके यूजर्स को मिलना शुरू हुआ है। अभी अगर हम व्हाट्सएप में जाएंगे और स्टिकर ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर में बीटा टेस्टर हैं तो आप सिंपली अपने व्हाट्सएप को अपडेट करके ये फीचर का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीटा टेस्टर नहीं है तो आप एप्लीकेशन को अपडेट भी कर लेंगे, फिर भी आपको ये फीचर यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। ये फीचर यूज करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर में चले जाइए और वहाँ पर जाके व्हाट्सएप 2.18.329 लिख के सर्च कर दीजिए, और सर्च में जो पहला रिजल्ट निकल के आएगा उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप नीचे चले जाइए और नीचे जाके आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसका एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इमोजी के सेक्शन में चले जाएंगे तो आपको थर्ड नंबर पे स्टिकर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा स्टिकर्स दिया गया है, यहाँ से आप किसी भी स्टिकर को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारा स्टिकर्स डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप एडिशनल और भी स्टिकर्स यूज करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये फीचर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये फीचर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।